हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टू व्हीलर कौन सा, ये इसका कंपटीटर इंडिया में, ये तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस टीवीएस जुपिटर, और बाकी सबसे ज़्यादा बिकने वाला टू व्हीलर है तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद ये। अब पर्सनल चॉइस क्यों है और कंपैरिजंस क्या क्या हैं, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। स्कूटर्स आज कल का जो टाइम है बहुत डिमांड में है। क्यों? कॉलेज जो जाने वाले लोग हैं, बी इट गर्ल्स और बॉयज, मैक्सिमम आजकल स्कूटर्स खरीदते हैं, क्योंकि थोड़ा एक तो ये वर्सेटाइल होता है, घर में सब चला सकते हैं तो सबको इसकी जरूरत महसूस होती है, तो सब इसी को ही ले लेते हैं कि ठीक है एक एक्टिवा ली, चार लोगों का काम चल गया, दैट्स इट। तो मेरे घर में भी एक्टिवा है, क्योंकि मेरे घर में जब ली गई थी एक्टिवा तब ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि कुछ और नहीं लिया गया तो हमने एक्टिवा ले लिया, और तब हमने एक्टिवा ली। एक्चुअली एक एविएटर भी है, बट एविएटर बहुत पुराना है, एविएटर शायद 6 या 7 साल पुराना है, बट मुझे अभी भी वो एविएटर ज़्यादा पसंद आता है बजाय नई एक्टिवा के। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन से। तो कंपैरिजन में सबसे पहली बात, मुझे जुपिटर क्यों पसंद है। सब रीज़न नंबर एक, बड़े टायर। रीज़न नंबर दो, बड़ा व्हील बेस। ये व्हील बेस क्या बोला है? व्हील बेस है दोनों टायर्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अगर ये ज्यादा बड़ी है तो गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि स्कूटर में हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी होती है? अच्छा, हाँ जी हाँ होती है। तो ये जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, ये क्या होती है कि जब आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हैं तो कितना स्टेबल होकर चल रहा है। व्हील भी बड़े हैं और व्हील बेस भी बड़ा है, तो इसका मतलब हाई स्पीड पर वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और उसमें तो अलॉय व्हील्स भी आते हैं जुपिटर में, तो इट लुक्स गुड। साइज में थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट लगता है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि जब वो कुछ चलाते हैं तो उसका जो फील है वो एक्टिवा से ज़्यादा अच्छा है। तो अभी क्या है, नया नया कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो उन सब लोगों को स्कूटर सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक बेसिक कंपैरिजन रिव्यू वीडियो बनाते हैं। सबसे पहली बात बात करते हैं दोनों के इंजन कैपेसिटी। बराबर है जी, 109 109, थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस है, 109.11 एक्टिवा, 109.9 या 109.7 जुपिटर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बीएचपी की बात करते हैं, अप्रॉक्स सेम। न्यूटन मीटर्स टॉर्क करीबन करीबन सेम। बीएचपी और टॉर्क एक्टिवा के थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े से मतलब थोड़े से तो वो थोड़े से ज्यादा हैं। लेकिन जो मुझे उसमें ज्यादा अच्छा लगता है जुपिटर में, एक उसकी हेडलाइट बहुत अच्छी लगती है। हाँ, टीवीएस वाले थोड़े स्लो हैं नई चीज अपडेट करने में, इसलिए उन्होंने अब तक एलईडी लाइट्स नहीं लेकर आए हैं। जल्दी लेके आ जाओ यार प्लीज टीवीएस वालों। तो लेकिन टीवीएस अपनी सारे प्रोडक्ट्स में बेस्ट हेडलाइट्स देने के लिए फेमस है, तो ये भी एक्सेप्शन नहीं है। इसकी भी हेडलाइट अपनी कैटेगरी की बेस्ट हेडलाइट्स हैं। अब जो नया एक्टिवा आया 5G, उसमें एलईडी हेडलाइट्स हैं, अगर वो मैंने अब तक चेक नहीं किया है, बट स्टिल आई एम श्योर कि जुपिटर अपनी कैटेगरी की बेस्ट हेडलाइट्स ऑफर करता है। और फिर इसके बाद इसमें एक और अच्छी चीज, एक्सटर्नल फ्यूल लिड, बाहर से ही आप पेट्रोल भरवा सकते हो। थैंक गॉड हर बार आपको सीट से उतरना नहीं पड़ेगा पेट्रोल पंप पर। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है जिसकी जरूरत हम सबको कभी कभी महसूस होती ही है, और खासकर अगर पीछे कोई बैठा होता है तो ज्यादा होती है। और एक चीज, अब दोनों ही गाड़ियों में मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट्स की प्रोविजन आने लगा है। सॉकेट्स नहीं आते हैं, कहीं आप सोचे कि हम गए और डायरेक्ट मोबाइल लगा दिया और मोबाइल चार्ज हो जाए, प्रोविजन्स आते हैं। और जुपिटर में एक अच्छी चीज है कि इसका जो लॉक है वो दोनों साइड से लगा सकते हो, इस साइड घुमाया तो भी और उस साइड घुमाया तो भी लगा सकते हो। एक्टिवा में ऐसा नहीं है, एक्टिवा में
सिंगल साइड लॉकिंग ही होती है। बाकी चीजें करीबन करीबन सेम है, दोनों की सीट हाइट सेम है, दोनों की सीट की लेंथ करीबन करीबन सेम है, और हाँ अंडर सीट जो स्टोरेज है वो एक्टिवा का 1 लीटर बड़ा है। कहने को तो जुपिटर ज्यादा का फायदा है, अब ज्यादा कैसे है पता नहीं, तो बट स्टिल मेरी पर्सनल चॉइस जुपिटर है। जुपिटर में कलर्स भी अच्छे आते हैं, जुपिटर अब 3 वेरिएंट्स में आता है, 4 वेरिएंट्स में आता है। तो एक जो बेसिक इसका आता है, फिर इसके ऊपर एक इन्होंने नया ZX लॉन्च किया जिसमें ड्यूअल कलर वाला था, ब्लू एंड चॉकलेट ब्राउन कलर टाइप समथिंग, फिर एक उसी में ही जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स नए डिस्क ब्रेक वाला दिया है उन्होंने, फिर उसके ऊपर एक नया भी क्लासिक लॉन्च किया है पता नहीं क्यों। तो और लेकिन एक्टिवा अपने 2 ही मॉडल्स में आता है, स्टैंडर्ड एंड डिलक्स। तो ये था एक बेसिक कंपैरिजन इन दोनों स्कूटर्स का। दोनों को आप चला के देखें अगर आप लेना चाहते हैं तो, लेना चाहते हैं, दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही लंबे टाइम से मार्केट में हैं, तो कोई शिकायत नहीं है दोनों में, और दोनों को चलाकर देखें। मेरी पर्सनल चॉइस जुपिटर क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, लॉन्गर व्हील बेस एंड बिगर टायर्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कभी कभी, और एलॉय व्हील्स भी। मुझे लुक्स में भी जुपिटर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था एक बेसिक चीज़, बाकी आप इस चार्ट में देख के पता लगा सकते हैं कि क्या क्या फ़र्क है दोनों में। तो आज का वीडियो बस इतना सा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। एक्चुअली ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, कभी कुछ मुझे मेल्स मिले इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आप नए जो कॉलेज सेशन स्टार्ट हो रहा है इसके लिए थोड़ा गाइडेंस दें कि हमको हमारे बच्चों के लिए स्कूटर्स लेने हैं, तो मैंने सोचा एक बेसिक यही दोनों सबसे ज़्यादा चलने वाले स्कूटर्स हैं। तो 110 सीसी में है, 125 सीसी के स्कूटर्स का बिल्कुल फ्रेश सेपरेट वीडियो बनेगा। 125 सीसी वाले स्कूटर्स अच्छे आए हैं अब मार्केट में, स्पेशली द एंटॉर्क। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, खुश रहिए, मौज करिए, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रैक्टिकल बाइकर को, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर इसी नाम प्रैक्टिकल बाइकर से फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।